तो आज पहली क्लास है जिसके अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा सा रिवीजन भी देखेंगे एमवीसी का कि एमवीसी किस तरह काम करती थी एएसपी के अंदर, और थ्री बेसिकली आज का जो रिवीजन लेक्चर होगा वो डिपेंड करेगा वो आपकी थ्री लेयर आर्किटेक्चर पे कि थ्री लेयर आर्किटेक्चर किस तरह काम करता था और एपीआई कितना उससे डिफरेंट है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एपीआई के अंदर नहीं हमें मिलती हैं या फायदा होता है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अभी तक हम किस तरह की प्रोग्रामिंग करते हुए आए। जैसे हम पीएफ के अंदर या बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्सेज के अंदर हम काम करते हुए आए कि मेन के अंदर ही हम दौड़ दौड़ कोड लिखना शुरू हो जाते थे और उसी को हम आगे फॉलो करते थे सारे काम करने के लिए। लेट सपोज कोई फाइल रीड करनी है, कोई सॉर्टिंग करनी है, या कोई भी ऐसे प्रोग्राम होते थे तो हम उसी से सॉल्व करते थे। मतलब हम डायरेक्ट मेन के क्लॉज के अंदर काम करना शुरू करते थे और अपने गोल अचीव करते थे और कोड खत्म। इसी तरह जब हम इसको जरा सा और आगे चले, हमने इसको जरा सा प्रोसीजर, इसको हम बोलते थे अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। जब अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हम कर चुके हैं, हम मजीद इसको इम्प्रूव करने लगे तो हमने इसको प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की तरफ हम चले। अब ये क्या होती है कि आप कोड करो लेकिन एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। लेट्स सपोज आप मेथड बना बना के कोड करो, आप जो भी पैटर्न्स हैं उनको फॉलो करते हुए कोड करो। हम ये उस तरफ आए। फिर हम आए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की तरफ। लैंग्वेज को नहीं कह सकते, प्रोग्रामिंग का पैटर्न या प्रोग्रामिंग का सेंस कह सकते हैं आप, कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ आए जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स बना बना के काम करते थे। हम सारे ऑब्जेक्ट्स के बिहाफ पे काम करते थे। हमने इनहेरिटेंस पढ़ी, चार प्लेयर्स पढ़े, उसके अंदर कौन सी चीज पेरेंट्स में रखनी है, कौन सी चीज चाइल्ड में रखनी है, एक सीक्वेंस हमने दिमाग में रखा कि कोड करने का एक प्रॉपर वे भी हो सकता है जिसके बिहाफ पे कोई ऐसे लॉज हैं, कोई ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए प्रोग्रामिंग करेंगे। जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी पढ़ ली तो फिर हम लोग चले कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग की तरफ। अब ये क्या हो सकता है, ये मैंने पहले ही बताया कि कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या चीज होती है। लाइक डीएलएस, हम कंपोनेंट बेस्ड काम करते हैं, हम कंपोनेंट्स बनाते हैं डिफरेंट और उन कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। लेट सपोज आप यूआई को एक पूरा आपका फॉर्म है, वो आपका ऐसा कंपोनेंट डील हो रहा है, आपके इंटरफेस लेयर है, आपके बिजनेस लॉजिक लेयर है, आपकी डेटा एक्सेस लेयर है, ये सारी चीजें जो है वो आपके कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग के अंदर आ गए। ये भी हम करते हुए आए, अगर नहीं करते आए तो अब से करना शुरू कर दें, कोई मसले की बात नहीं है। कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग भी अभी तक हम फॉलो कर रहे थे लेकिन इस कोर्स के अंदर हम कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग भी करेंगे लेकिन हमारा मेजर जो फोकस होगा वो होगा एसओए पे। एसओए की फुल फॉर्म क्या है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ये क्या चीज है भाई, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर बोलता है कि आप सर्विस पे काम करो। अब सर्विस क्या है हम मजीद उसको इस कोर्स के अंदर देखेंगे कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर किस तरह काम करता है और सर्विस बना के काम करने का क्या फायदा है, इस आर्किटेक्चर का क्या फायदा है, ये सब चीजें इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर हम गो थ्रू करेंगे। अच्छा, सर्विस की मतलब बेसिक एग्जांपल क्या है कि जीमेल है। जीमेल आप जो है वो अपने मोबाइल से भी इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी वेब से भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके पीछे डीबी एक ही होता है। लेट सपोज अगर मैं मोबाइल से कोई चीज चेंज करता हूँ तो आपके वेब पे भी वही चीज सिंक होके आ जाती है। सेम इसी तरह अगर मैं वेब पे करता हूँ तो मोबाइल पे भी एकदम सेम होके आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि इंटरफेसेस डिफरेंट है लेकिन पीछे जो डेटाबेस है या जो पीछे बिजनेस लॉजिक लिखी हुई है वो सेम है, जो आपस में एक दूसरे को सिंक कर रहे हैं। ये तो सिंपल सी बात हो गई कि सर्विस की एग्जाम्पल क्या है। इसी तरह आपके पास बहुत सारे और भी सर्विसेज हैं, लाइक मैप की सर्विस है आपके पास, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। अच्छा, अब एक बात कर लेते हैं कि यार सर्विस इस्तेमाल क्यों करते हैं, सर्विस क्या है, हम उसकी तरफ जाते हैं लेकिन सर्विस इस्तेमाल क्यों करते हैं हम इसकी बात कर लेते हैं। ये सर्विस बिल्कुल उस सर्विस की तरह है जैसे आप कभी वेडिंग करवा रहे होते हैं, आप वेडिंग प्लानर हैं या आप अपनी वेडिंग प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आप कैटरिंग खुद से नहीं लेके बैठ जाते कि भाई यार समोसे मैं खुद बनाऊंगा और बिरयानी भी मैं खुद ही बनाऊंगा, आप इसके लिए एक सर्विस हायर करते हैं। इसी तरह डेकोरेशन में भी आप खुद हाथ नहीं डालते, आप उसके लिए भी एक सर्विस हायर करते हैं। तो इन सर्विसेज से फायदा क्या होता है कि आपका काम आसान हो जाता है। आपकी शायद कॉस्ट में कुछ ऊंच नीच होती है लेकिन आपका काम आसान हो जाता है तो सारी चीजें आपको खुद से नहीं हैंडल करनी पड़ती, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है।
इसी तरह आपको एग्जांपल दूं आपको, तो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के अंदर भी क्या करते हैं कि आप जो है वो अपने सिस्टम को वैसे ही रखते हैं, जो आपका जो भी सिस्टम आप डिजाइन कर रहे हैं ई कॉमर्स है या कोई भी चीज, तो आप उसके अंदर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हो गया या आप अलग से लाइक पेपल सर्विस हो गई या पेमेंट गेटवे हो गया, इस तरह की सर्विस आप यूज करते हैं, आप बनाते नहीं है। ये बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से बात क्लियर है कि सर्विस क्यों इस्तेमाल करते हैं और सर्विस बेसिकली कोई एग्जांपल्स के साथ भी हमने समझ लिया। अच्छा, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, मतलब बेसिक एग्जांपल्स हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें कि अभी तक जो कंपोनेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, अभी तक हम जो तरीके इस्तेमाल करते आए सर्विस के लिए, हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले, सबसे शुरू के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हुए सर्विस के लिए, मैं आप सर्विस की बात कर रहा हूँ कि हम सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए अभी तक जो स्ट्रक्चर्स यूज करते हुए, मैं अब उस पर बात कर लेता हूँ। फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ जो अभी तक बात थी, मेरे ख्याल से ये बात क्लियर थी कि अभी तक हमने स्ट्रक्चरल अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग देख ली जो हम नॉर्मल पी एफ में करते हुए, फिर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग देख ली, फिर ऊप की बात कर ली, कंपोनेंट बेस्ड बात कर ली, फिर हमने नॉर्मल एस ओ ए का एक गो थ्रू देख लिया। अच्छा, अब इसको फिलहाल मैं मिटा रहा हूँ ताकि अगली ड्राइंग बना सकूँ। अगली जो बात है वो है कि अभी तक इस सर्विसेज के लिए या इस आर्किटेक्चर में क्या क्या काम डॉट नेट में हो चुका है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास आया डॉट नेट रिमोटिंग। मेरा ख्याल है कि मैं इससे पहले जो है वो थोड़ा सा आर्किटेक्चर डिफाइन कर लेता हूँ कि एमवीसी किस तरह काम करते रहा है और डॉट एपीआई बेसिकली है क्या, फिर मेरे ख्याल से आपको ये ज्यादा बात समझ आएगी। खैर, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एमवीसी का स्ट्रक्चर किस तरह काम करता था, थ्री लेयर आर्किटेक्चर जो था हमारा वो किस तरह काम करता था। अच्छा, सिर्फ एमवीसी नहीं, जितने भी थ्री लेयर एप्लीकेशन हैं उसकी एग्जाम्पल्स भी मैं देता हूँ अभी आपको। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कि काम बनता किस तरह था। सही है, तीन बेसिक इसके अंदर हमारे टीयर्स होती थी। सबसे पहले आप इसको यूआई टीयर बोल लो, आप इसको बाउंड्री क्लास बोल लो, या आप इसको यूआई इंटरफेस टीयर बोल लें, आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं इसको यूआई कह रहा हूँ फिलहाल ताकि बात समझ आ जाए। दूसरी चीज आपकी हो गई कंट्रोल, कंट्रोलर बोल लो आप इसको, या बिजनेस लॉजिक लेयर बोल लो, व्हाटएवर नाम में क्या रखा है, कंट्रोलर हो गया। इसके बाद आपकी आई डेटा एक्सेस लेयर, आप इसको मॉडल्स भी बोलते हैं या कुछ भी कहना चाहें, ये डिपेंड करता है, मैं फिलहाल इसको डेटा एक्सेस लेयर बोल रहा हूँ, DAL बोल रहा हूँ, बकाया आप लोग समझ भी जाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। मैं भी इसको फॉन्ट मेंशन कर देता हूँ, ये टेक्स्ट भी आ गया ना। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स से मैं आपको एक बात समझाना शुरू करता हूँ कि हमारे पास डॉट नेट के अंदर कुछ फ्रेमवर्क थे जो अभी तक हम उसको इस्तेमाल करते हुए, कुछ तरीके थे, कुछ एप्लीकेशन थी बनाने की। सबसे पहले हम कॉन्सोल पे काम करते हुए, ठीक है, कॉन्सोल ऐप थी जिसके अंदर हमारे पास जो यूआई होती थी वो डायरेक्ट आपकी कॉन्सोल खुलता था, तो उसके अंदर कंट्रोलर वाला पार्ट नहीं था, उसके अंदर आपका डायरेक्ट जो डेटा एक्सेस लेयर है और यूआई आप कॉन्सोल को बोल रहे हैं अभी हम, तो वो इन दो लेयर्स पे काम कर रहा था। उसके बाद मैं समझाने के लिए बात समझा रहा हूँ आपको। इसके बाद हम विंडोज फॉर्म पे आए, विंडोज फॉर्म जो आप बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या थ्री टीयर एप्लीकेशन काम करती थी या नहीं, और अगर करती थी तो कैसे। फिर उसके बाद हम ASP.NET वेब फॉर्म्स पे आए, ठीक है, उसके बाद फिर MVC के हमने बहुत सारे आर्किटेक्चर्स देखे लाइक 3, 4, 5 एंड सो ऑन, अब जो है वो हम कोर पे आ गए, ठीक है। और क्या कोई भी इसी तरह काम करता है नहीं करता, ये भी हम देखते हैं। मेरे ख्याल से टेक्स्ट आपके सामने आ गया। अच्छा, तो एक और इसमें कॉम्पोनेंट रह गया जो हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं, विच इज योर डेटाबेस, जो इन तीनों लेयर से पीछे बैठा होता है। अब इट डिपेंड्स कि आप स्टोरेज मीडियम के अंदर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं, आइदर टेक्स्ट फाइलिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइलिंग के अंदर भी आप सीरियलाइजेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, या नॉर्मल टेक्स्ट फाइलिंग जैसे आप ट्रेडिशनल टेक्स्ट फाइलिंग होती है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इट डिपेंड्स। लेकिन क्या फर्क पड़ता है आपके स्टोरेज मीडियम से आपकी एप्लीकेशन को बनाने में, इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहा,
चलने के अंदर फिलहाल क्या कोई फर्क पड़ता है, तो मैं लिख लूं फिर समझाता हूँ। ये हो गया आपका डेटा मीडियम, ठीक है, या आप उसको बोलो कि डेटा स्टोरेज मीडियम कह लो, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, लेकिन खैर मैं लिख लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है वो पीछे डेटा स्टोरेज मीडियम के अंदर कौन सी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट सपोज आपने एप्लीकेशन बनाई कंसोल पे, ठीक है, आपने कंसोल पे एप्लीकेशन बनाई और आप जो है वो इसको लिंक कर रहे हैं डेटाबेस के साथ, तो ये पॉसिबल है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप विंडोज फॉर्म को भी डेटाबेस के साथ लिंक कर सकते हैं, वेब फॉर्म्स को भी कर सकते हैं, एमवीसी को भी कर सकते हैं और .NET Core को भी कर सकते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है इसकी बात करते हैं। अगर हम स्टोरेज मीडियम में एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल यूज करते हैं तो क्या मैं MVC से इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं इसको MVC के पीछे स्टोरेज मीडियम के तौर पे क्या टेक्स्ट फाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा पैटर्न नहीं है, एक अच्छा तरीका नहीं है। हम जब हम स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं तो हम ये देखना चाहिए कि अब इस वक्त क्या चीज़ फॉलो हो रही है और पीछे वो क्यों हम उसको ओवरकम करते हुए आए। उसके लिए आपके पास बहुत टाइम है, आप गूगल करके इसको देख सकते हैं। अभी तो वैसे भी ऑनलाइन चल रहा है। खैर ये हो गया टेक्स्ट फाइलिंग। तो स्टोरेज मीडियम के अंदर हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्लीकेशन मीडियम पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों बातों का आपस में एफिशिएंसी के हवाले से बहुत फर्क है, बहुत मसले हैं इसमें, बहुत चीजें ओवरकम हुई हैं, लेकिन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एमवीसी में तो पता है कि भाई यूआई लेयर इज योर व्यू, कंट्रोलर इज कंट्रोलर, रिटेक्स इज लेयर इज योर मॉडल, ये तो बहुत आसान सी कहानी है। वेब फॉर्म्स के अंदर और विंडोज फॉर्म के अंदर क्या कहानी है, वो बात तो ये डिस्कस कर लेते हैं। आपने विंडोज फॉर्म के अंदर देखा है कि आप अपने यूआई डिजाइन करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू, उसके पीछे जो है वो खुद ब खुद कोड लिखा जनरेट होता जाता है, जो यूआई डिपेंडेंट कोड होता है। आपके मॉडल्स आप बना के काम कर सकते हैं। आप चाहे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं शुरू शुरू के अंदर कि विंडोज फॉर्म पे या वेब फॉर्म्स पे फॉर्म्स पे ही कोड करना शुरू करते हैं, फॉर्म्स पे ही डायरेक्ट डेटाबेस से हिट लगा लेते हैं। तो देखें काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम अच्छे तरीके से काम करेंगे तो हमें आगे बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, क्योंकि हम ऐसा स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं जो आगे हमारे लिए फायदेमंद होगा। फायदेमंद इन सेंस कि हम रीयूजबिलिटी बढ़ा रहे होते हैं और इस तरह की और बहुत सारी फीचर्स हैं जो हम जब आगे चेंजेस आते हैं तो हमें मसले नहीं होते, तो वो रोमबसनेस वगैरह वो आगे चीज़ें फर्क पड़ती हैं। लेकिन इनिशियल अगर आप शुरू बिगनर हैं तो आपको लगता है कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने दो, लेकिन हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए काम करेंगे। मैं भी अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक वेब फॉर्म या विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसके अंदर भी आप मॉडल्स बना के काम कर रहे हैं, फॉर्म्स बना के काम कर रहे हैं, क्या इसके अंदर भी कंट्रोलर लेयर होती है? क्योंकि यूआई लेयर तो आपको समझ आ रही है, डेटा एक्सेस लेयर भी समझ आ रही है क्योंकि मॉडल्स में होते हैं, तो कंट्रोलर लेयर भी होती है। वो कैसे कि आप गौर करें अगर तो आपके विंडोज फॉर्म के अंदर भी आपके विंडोज फॉर्म के अंदर भी कुछ फाइलें बन रही होती हैं। जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं तो आपके पास एक डिजाइनर की फाइल बनती है, ठीक हो गया, और इसी तरह आपकी .cs की फाइल बनती है, इसी तरह जो है वो एक दो और क्लासे बनती हैं। तो उनमें फर्क क्या होता है, जो आपकी डिजाइनर की क्लास है वो आपकी यूआई क्लास है, जो आपने यूआई में ड्रैग एंड ड्रॉप किया उसके पीछे जो कोड जनरेट हुआ वो उसमें लिखा हुआ है। जो कंट्रोलर आपकी लेयर है, जो आपकी कंट्रोलर टियर है, वो आपकी बेसिकली वो क्लास है जो form.cs के नाम से आपको दिखती है, ठीक है, जिसके अंदर आप डेलीगेट्स यूज कर रहे होते हैं, आप इवेंट्स यूज कर रहे होते हैं, आप ट्रिगर बना रहे होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपकी form.cs के अंदर होती हैं। और जो डिजाइनर की क्लास होती है वो आपकी यूआई हो गई। मेरे ख्याल से बात अब थोड़ी क्लियर हो रही होगी कि किस तरह अभी तक काम करते हुए आ रहे थे। और आपके मॉडल अगेन आपके वही मॉडल्स थे जो आपने इसमें रखे हुए थे। तो ये तो आपका विंडोज फॉर्म हो गया, या अगर आप वेब फॉर्म की बात करें तो आपके जो है वो यूआई लेयर जो है वो जो डिजाइनर की फाइल होती है वो अब .html या .css के अंदर चली जाती थी वो। तो मेरी बात शायद समझ आ रही होगी कि हम फ्रेमवर्क कोई भी इस्तेमाल करें लेयर्स तकरीबन वही रहती हैं, लेयर्स वैसे ही काम कर रही होती हैं। अब ये लेयर काम क्यों, किस क्या जरूरत है इन लेयर्स की, वो थोड़ी बात कर लेते हैं। डेटा एक्सेस लेयर का मेजर काम क्या होता है कि डेटा मीडियम से डेटा लेके आना और डेटा लेके जाना, ठीक है, वो किस फॉर्म में है, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक एंटिटी से डेटा ला रहे हैं लेके जा रहे हैं, या
ट्रेडिशनल खुद कोड कर रहे हैं, खुद के अंदर भी आप टीवीपी यूज कर रहे हैं, टेबल वेलिपियर यूज कर रहे हैं, या आप धनाधन खुद से पैरामीटर करके भेज रहे हैं, इट डिपेंड्स। अभी हम उस कहानी में नहीं जा रहे, हम ये बात समझ रहे हैं कि डेटा एक्सेस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि डेटा मीडियम से डेटा लेके आना या डेटा लेके जाना, आइदर ये वो क्रिएट हो रहा हो, गेट हो रहा हो, अपडेट हो रहा हो, डिलीट हो रहा हो, इट डिपेंड्स। उसके बाद कंट्रोलर लेयर का काम क्या होता है कि मॉडल लेयर से डेटा लेके कंट्रोलर लेयर तक लेके आना, ठीक है। और एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि यूआई लेयर से, या आप उसको इंटरफेस लेयर बोल लो, उस लेयर से डेटा कंट्रोलर लेयर तक लेके आना। अब एक सवाल बनता है कि यार अगर ये कहानी करनी थी तो कंट्रोलर लेयर आप हटा देते, आप डायरेक्ट इन दोनों लेयर्स को, मॉडल लेयर और यूआई लेयर, आपस में बात कर लेते। तो देखो अगेन, मैंने शुरू में बात की थी कि आप सारी जिम्मेदारियां खुद नहीं उठाते, आप चीजों को डिवाइड करके स्टैंडर्ड्स पर काम करते हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पे कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि यूआई से डेटा अपने पास लाना और डेटा एक्सेस लेयर को भेजना, और डेटा एक्सेस लेयर से डेटा लेके आना, या जो भी रिस्पॉन्स वहां से आया, रिजल्ट आया रिक्वेस्ट के अगेंस्ट, उसको अपने तक लाना और दोबारा यूआई को दिखाना। अब इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल दूँ तो आप एक सिंपल सर्च का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, आप उसे वैल्यू सर्च कर रहे हो, आप जब जैसी वैल्यू सर्च करते हो तो आपके पास डेटा यहाँ से उठ के कंट्रोलर लेयर तक जाता है, फिर वो कंट्रोलर लेयर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है, आपका पैटर्न, आप किस तरह काम कर रहे हो, फिर वो आपकी फाइल उठ के कहाँ जाती है, फिर मतलब वो आपका ऑब्जेक्ट उठ के डेटाबेस में जाता है, ठीक है। डेटाबेस मतलब आपके डेटा एक्सेस लेयर के अंदर जाता है, वो डेटा एक्सेस लेयर उसको किसी मेथड के थ्रू आपको डेटाबेस तक लेके जाती है। सेम इसी तरह डेटाबेस तक लेके जाने की कहानी जैसी थी, डेटाबेस के अंदर चला गया, डेटाबेस के अंदर जाने के बाद डेटाबेस वापसी जो इसका रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी लाके देता है आपको, ठीक है, वो लाके आपको दोबारा देगा, आप दोबारा यूआई के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड, या जो है वो आप इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस आप उसको दिखाएंगे। ये बात क्लियर हो गई कि आपका 3D एप्लीकेशन किस तरह काम करती थी या काम करेगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि फिर एपीआई का क्या काम है इसमें, एपीआई कहाँ से बीच में आ गई, अब वो चीज़ तो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर थी। हमने जैसे ही नॉर्मल स्ट्रक्चर देख लिया, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर देखने के बाद हमने एक और चीज देखी कि एमवीसी के अंदर डेटा जब हम भेजते थे तो किस तरह भेजते थे। मैं जरा सा इसको साफ कर लेता हूँ, खासतौर पर हमारी यूआई लेयर, मैं कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस बना के एग्जांपल समझाता हूँ कि क्योंकि हमारे पास एमवीसी के अंदर, हम क्योंकि एमवीसी नहीं पढ़ रहे यहाँ पे, एमवीसी के अंदर हमने गेट पोस्ट के मेथड्स देखे थे वो किस तरह काम करते थे, हम उस आर्किटेक्चर को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास अभी 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है, क्लियर है, 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, और इन 3 टेक्स्ट बॉक्सेस का नाम भी मैं समझा देता हूँ कि वो किस तरह नेमिंग कन्वेंशन मैंने रखी हुई है। लेकिन उससे पहले मैं जरा सफाई कर लूँ, मेरे ख्याल से अब लेयर समझ आ रही है कि कौन सी लेयर है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए। ये भी समझ आ गया कि हम पिछली टेक्नोलॉजी कौन किस पे काम कर रहे थे। अच्छा, मैं अभी फिलहाल ये ज़ूम कर रहा हूँ कि आप एमवीसी यूज कर रहे हैं और आपका ये व्यू है, ठीक है, और व्यू के अंदर आपने 3 टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हुए हैं। अब ये पता है कि व्यू जो एमवीसी का व्यू होता है वो HTML पे बना होता है, HTML CSS पे बना हुआ है, मतलब एलिमेंट्री जो लैंग्वेज है वो बता रहा हूँ आपको मैं, आपका जो बना हुआ है वो HTML, बेसिकली मैं बात करूँ तो HTML के एलिमेंट्स पे ये पूरा फाउंडेशन खड़ी होती है इसकी, इस व्यू की। और यहाँ पे आपके कंट्रोलर लेयर में आपके 2 मेथड होते हैं हम जो अमूमन यूज करते हैं, एक गेट और एक पोस्ट, ठीक हो गया। अच्छा, अब टेक्स्ट बॉक्सेस में किसको बोल रहा हूँ, इनपुट के टैग को हम टेक्स्ट बॉक्स बोल रहे होते हैं HTML के अंदर जो यूज करते हैं। अच्छा, एक सिंपल से हमने 3 टेक्स्ट बॉक्स लगा लिए, हमने उसमें भी कोई खास चीज नहीं किया, लेकिन हम किस तरह ये आइडेंटिफाई करते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो डेटा पड़ा होता, लेट सपोज टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर डेटा पड़ा होता 1, 2, 3, टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर डेटा पड़ा होता 3, 4, 5, एंड टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर डेटा पड़ा होता XYZ, ठीक है। तो जो ये डेटा पड़ा हुआ है, ये हम डेटा उठा के पोस्ट करते हैं, अब वो किस तरह करते थे वो भी मैं रिवाइज करा देता हूँ।
हम उसके पहले हम एक टैग लगाते थे फॉर्म का टैग, ठीक है, जो बेसिकली ये काम खुद करके दे रहा था। अगर हम एजेस की कॉल यूज नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा फॉर्म का टैग खुद ये काम हैंडल करता था कि आपका जो भी रिक्वेस्ट डेटा पोस्ट करना है, डेटा पोस्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते थे। अच्छा, इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स थे जो हम खास इस्तेमाल करते थे, लाइक एक्शन, कि किस एक्शन के ऊपर ये डेटा पोस्ट करना है, ठीक है, मेथड, किस मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, लाइक गेट है या पोस्ट है, ठीक है, मेथड टाइप क्या है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती थी वो क्या होती थी कि आपका डेटा टाइप क्या है, आप किस कंटेंट टाइप क्या है, आपका इंटरनेट मीडिया टाइप क्या है, आप किस तरह का डेटा इसमें पास करेंगे। तो मैं फिलहाल इसको डेटा टाइप कह रहा हूँ ताकि समझ आ जाए, ठीक है। ये तीन चीजें जो है वो हम मेंशन करते थे फॉर्म के अंदर, ठीक है। लेकिन एक सवाल है मेरा, लेट सपोज आपके पास एक पोस्ट का मेथड है जिसके अंदर ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसमें आपके ये तीनों जो एट्रीब्यूट्स हैं वो के आते हैं। इसी तरह आपके पास एक और ओवरलोडेड कह लें, या एक और मैं कह रहा हूँ कि एक वक्त में आप एक इस्तेमाल करेंगे, कमेंट करके इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं एक और अप्रोच होती है कि मैं एबीसी नाम के तीन वेरिएबल बना लूँ, लेट सपोज स्ट्रिंग के तीन वेरिएबल हैं जो मेरे पास पैरामीटर में खड़े हुए हैं। अब अगर और ऑब्जेक्ट जो मेरे पास है, ये भी कोई क्लास होगी, लेट सपोज एबीसी नाम की कोई क्लास है, उसके अंदर भी तीन एट्रीब्यूट्स हैं, ए और बी और सी, ठीक है, मतलब एक क्लास है एबीसी के नाम की और उसके अंदर भी तीन एट्रीब्यूट्स हैं ए बी एंड सी। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर है, ठीक है ना, मैं एग्जाम्पल देके खाली समझा रहा हूँ। और इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना जो ओबीजे नाम का पैरामीटर पास हो रहा है। और मैं एक और मैंने पोस्ट का मेथड बनाया जो मैं फिलहाल इसको ऊपर वाले को कमेंट कर दूंगा और नीचे वाले को हेड मतलब अनकमेंट करके, इसके अंदर तीन अलग अलग वेरिएबल हैं स्ट्रिंग के जो आपके पास पैरामीटर के तौर पे काम कर रहे हैं। अब एक सवाल है कि किस तरह एमवीसी इस बात को टैकल करता है कि जो टेक्स्ट बॉक्स वन का डेटा है वो टेक्स्ट बॉक्स वो प्रॉपर्टी ए में बाइंड करना, क्योंकि ये तीनों डेटा जो है वो उठ के आपके कहाँ जा रहे हैं, आपके पास पोस्ट के मेथड पे जा रहे हैं ना। अब पोस्ट का मेथड, अभी मैं फिलहाल बात करता हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, पहला वाला पोस्ट का मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो किस तरह ये टेक्स्ट बॉक्स वन की वैल्यू उससे बाइंड करता है। लेट सपोज आप बात कर लें कि टेक्स्ट बॉक्स वन की वैल्यू आप ए वेरिएबल से बाइंड करेगा, बी की टू की बी से और टेक्स्ट बॉक्स थ्री की सी से, ठीक है। अब इसको कैसे पता कि मैं टेक्स्ट बॉक्स बी का डेटा टू का डेटा बी में डालूंगा और थ्री का डेटा सी में डालूंगा। तो हम इनपुट के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है नेम का एट्रीब्यूट, हम वो इसलिए डिफाइन करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठ के जो भी पैरामीटर ए होगा उसमें जाएगी, ठीक है, मेरी बात मेरे ख्याल से क्लियर हो रही है। अब कि टेक्स्ट बॉक्स जो ये इनपुट लग रहा है, इस इनपुट का डेटा जो भी नेम के एट्रीब्यूट है इसके नाम का एक वेरिएबल बनेगा और इस नाम का वेरिएबल एक्सपेक्ट कर रहा होगा पैरामीटर के अंदर जहां पे भी आपने ये फॉर्म पोस्ट कराया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से वाले जगह चीज मिटाई था, मेरे ख्याल से ये समझ आ गया कि फॉर्म के अंदर तीन चीजें जरूरी होती हैं। फॉर्म के अंदर नहीं, बेसिकली कोई भी रिक्वेस्ट पोस्ट करने के लिए हम आगे भी देखेंगे कि ये तीन चीजें जरूरी होती हैं पोस्ट करने के लिए, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हिट करने के लिए। खैर, अभी मैंने देख लिया कि मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया जिसका जिसका नाम मैंने ए रख लिया, एक और मैंने इनपुट का टैग लगाया जिसका नाम मैं फिलहाल बी रख रहा हूँ, ठीक है। मैं फिलहाल टाइप डिफाइन नहीं कर रहा, मैं फिलहाल सपोज कर रहा हूँ कि ये टाइप टेक्स्ट ही है, तो ये आप भी अज्यूम कर सकते हैं ताकि मैं बात को क्लियर कर सकूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास तीन टेक्स्ट बॉक्सेस लगे हुए ए बी सी नाम के, तो जो ये नेम के एट्रीब्यूट है ये डिफाइन कर रहा है कि इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू किस प्रॉपर्टी में जाके उतरेगी। तो ये बात तो समझ आ गई कि ऑब्जेक्ट हम जब इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहला वाला पोस्ट का तरीका है ये वाला, तो इसके अंदर तो हमारे पास आज तक एम बी सी में उतरते हुए आया है। लेकिन क्या अगर मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करूँ तो भी डेटा उतरेगा, और ए का ए में ही, बी का बी में ही और सी का सी में ही उतरेगा? तो जवाब ये है कि हाँ बिल्कुल उतरेगा। वो क्यों? क्योंकि जब भी हम डेटा पोस्ट करते हैं तो डेटा इन द फॉर्म ऑफ जेसन या एक्सएमएल जा रहा होता है, और इन दोनों तरीकों के अंदर मैं बल्कि दिखा भी देता हूँ कि किस तरह डेटा जा रहा होता है। डेटा एटीट्यूड के हिसाब से जा रहा होता है, ठीक है। लेट सपोज मैं जेसन का एक ऑब्जेक्ट बना के भी दिखा देता हूँ किस तरह ऑब्जेक्ट पास होके इसमें जा रहा होता है।
उसकी रिक्वेस्ट में। अगर मेरा पेस आगे पीछे जा रहा हो तो बता सकते हैं ताकि मैं इसको ओवरकम कर सकूं या इसको चेंज कर सकूं। तो इस तरह का एक जेसन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जो आपके पोस्ट की बॉडी में जा रहा होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो ये वाला पार्ट है, जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम जो है वो सारे इनपुट के नेम के एट्रीब्यूट से मैच हो गए और उस एट्रीब्यूट के अंदर जो भी वैल्यू थी वो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बन गई। लेट्स सपोज ए टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा था वो बी में ए में चला गया, बी का जो था वो बी के वेरिएबल में चला गया और सी का सी में चला गया और ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका पोस्ट में जाता है। अच्छा, पोस्ट में जाने के बाद ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है, ये ढूंढता है कि मेरे पास इन्हीं नाम के वेरिएबल्स आपके पोस्ट में मिल जाए। अगर पोस्ट के अंदर डायरेक्टली नहीं है तो जो ऑब्जेक्ट कॉल आर पैरामीटर में आपने इस्तेमाल किया है उस ऑब्जेक्ट के अंदर या उस क्लास के अंदर जाके ये तीन पैरामीटर्स ढूंढता है। अगर सेम नेम की मिल जाए तो मोस्ट वेलकम, नहीं हो तो वो जो मिल जाते हैं वो खाली उन्हीं को मैप कर देता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज आपके क्लास के अंदर ए बी सी थे ना, तो अब खाली ए बी है, आपने सी को लेट्स सपोज मिटा दिया, एग्जांपल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, आपने सी को काट दिया। तो अब अगर हम यही सेम डेटा पोस्ट करेंगे तो ए बी में चले जाएगा, सी में नहीं जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये कहानी क्लियर है कि एम बी सी किस तरह डेटा भेजता है और हम उसको किस तरह गेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगेन फिर हम ये इसको जो है वो जो डेटा हमारे पास आ जाता है कंट्रोलर में, हम उससे जो है वो आपकी डेटा एक्सेस लेयर हिट करते हैं, अगेन वो डेटा बेस को हिट करता है, वो डेटा जाके स्टोर करा देता है। अच्छा, गेट का क्या काम है, क्योंकि हम हर एक्शन का गेट भी बनाते थे एम बी सी के अंदर, तो वहां जरूरत क्या थी कि गेट का काम क्या था कि रेंडर करना पेज को, ठीक है, व्यू को रेंडर करना, रेंडर बोले तो क्रिएट करना, बनाना, उठा के लाना, ये सारे मतलब थे आपके गेट के काम, गेट की व्यू को बेसिकली हम जो रिटर्न व्यू करते थे वो एक्चुअल में ये काम करता था कि उस नाम का, उस एक्शन के नेम का एक व्यू जाके ढूंढता था व्यू के फोल्डर में, कंट्रोलर के फोल्डर में, जिस नाम का कंट्रोलर के नाम का एक फोल्डर होता था, फिर उसके अंदर जाके सेम नाम का, सेम एक्शन नेम का व्यू ढूंढता था, उस व्यू को उठाता था। अगर आपने रिटर्न व्यू के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पास किया हुआ या लिस्ट पास की हुई है, उस लिस्ट को उस व्यू के अंदर जाके कंबाइन करता था, पेस्ट करता था जहाँ जहाँ उसको जरूरत है, जो आपका रिजल्ट इंजन बेसिकली काम कर रहा होता था। फिर एट द एंड आपका एक पूरा एचटीएमएल सीएसएस के मतलब एक आपका व्यू क्रिएट हो जाता था, आप उस व्यू को उठा के ब्राउजर पे फेंकते थे और आपका व्यू दिखने लग जाता था। तो गेट हम इसलिए भी इस्तेमाल करते थे और इसलिए भी इस्तेमाल करते थे कि हम डेटा भिजवाएं। लेकिन अब हम एपीआई की तरफ जा रहे हैं, तो एपीआई बेसिकली क्या करता है कि मैं ड्रॉइंग फिलहाल मिटा देता हूँ, एक और बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम जो अब बात करेंगे उसके अंदर हमारी दो ही लेयर्स होंगी फिलहाल एप्लीकेशन के अंदर, एक आपकी कंट्रोलर लेयर हो गई और एक आपकी डेटा एक्सेस लेयर हो गई, ठीक हो गया। और पीछे अगेन वही स्टोरेज मीडियम वैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे, मैं बना नहीं रहा फिलहाल, वैसे आपको समझ आना चाहिए कि हम पीछे क्या इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आगे के हवाले से हमारे पास कुछ बेनिफिट्स हो जाएंगे, हमें एक क्वेरी होगी अगर हम इस नॉर्मल वेब एप्लीकेशन को ही तोड़ें तो हमारे पास दोबारा हमें कंट्रोलर लेयर लिखनी पड़ेगी, अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट व्यू से फीड करा सकते हैं। हमने एक और एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी एम बी सी की, अगर हम नॉर्मल एम बी सी एप्लीकेशन बना रहे थे, अब हम उसको तोड़ लें एपीआई के आर्किटेक्चर के हवाले से ना, एस ओ ए के हवाले से, तो हमें ये दो जो है या हमें दो जगह जो है वो कंट्रोलर लिखना बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कंट्रोल लेयर जो है वो दो जगह आएगी, एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे, मतलब ये आपकी एपीआई एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, जो मैंने यहाँ बनाई राइट पे, जो लेफ्ट पे बना रहा हूँ ये आपकी क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं कि आपका एपीआई कंज्यूमर है, आप इसको फिलहाल अभी हम एमवीसी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि एमवीसी कंज्यूमर है, तो आप कोई भी इसको नेमिंग कन्वेंशन दे सकते हैं। लेकिन फायदा क्या हुआ, मतलब ऐसा कौन सा हमने तीन मारा कि हमने कंट्रोलर दो जगह बना लिए, हमने मजीद काम को और फैला लिया, मजीद लंबा कर लिया, तो हमें इससे फायदा क्या होगा। अच्छा, फायदा क्या होगा इससे हमें कि अभी तो हमें फायदा नहीं दिख रहा क्योंकि अभी हम खाली एमवीसी पे ही काम कर रहे हैं तो हमें खास बेनिफिट्स नहीं दिख रहे हैं। लेकिन कल को जब हम यही सर्विस जो हमने सर्विस बनाई यही सर्विस जब हम किसी थर्ड पार्टी को दे रहे होंगे, लेट्स सपोज यही सर्विस मैं एक विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन बना रहा हूँ, अभी मैं डॉट नेट पे रह रहा हूँ,
लेट्स सपोज मैंने एक छोटी सी नीचे विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन बनाई, मैं पूरी नहीं बना रहा, अगेन वो भी इसी तरह काम करेगी, एक विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन बनाई, अब उसको भी सेम एप्लीकेशन की ही ये विंडोज फॉर्म थी। लेट्स सपोज मैं एक स्कूल सिस्टम बना रहा हूँ और स्कूल सिस्टम की मैंने एमवीसी की एप्लीकेशन बनाई वेब पे, उसी की मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है विंडोज फॉर्म पे, तो मुझे बेनिफिट क्या होगा कि मैं कंट्रोलर लेयर मुझे पूरी बिजनेस लॉजिक लेयर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसी बिजनेस लॉजिक लेयर को इस्तेमाल करूंगा जो एपीआई में लिख चुके हैं हम, ठीक है। अगेन वो डेटाबेस से लेके आना लेके जाना उसकी जिम्मेदारी, मेरा काम है खाली यूआई डिजाइन करना और इस एपीआई को हिट करना, आइदर वो मैं एमवीसी एप्लीकेशन से कर रहा हूँ या विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन से कर रहा हूँ। ये तो हो गया अगर हम डॉट नेट पर रहते हुए बात कर रहे हैं, अगर हम डॉट नेट से बाहर जाते हैं, लेट सपोज मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई जो कि एंड्रॉयड बेस है, ठीक है। अब एंड्रॉयड बेस एप्लीकेशन बनाई मैंने, उसके अंदर भी मुझे इसकी जरूरत पड़ी है, ठीक है। लेट सपोज मैं एक और बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन बनाई जो एंड्रॉयड बेस है, ठीक है, या मोबाइल बेस से आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं। अब इसको भी हिट कराना है और इसकी भी अगेन स्कूल, वही स्कूल सिस्टम था उसी की आप जो है वो दोबारा मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो जो भी मोबाइल ऐप आप बनाएंगे आप उसमें दो चीज़ें डिफाइन करेंगे, अगेन इंटरफेस और कंट्रोल, जो भी उस इंटरफेस से आप कंट्रोल यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन जो बिजनेस लॉजिक लेयर होगी वो आप अगेन सेम ही रखेंगे, आप उसके लिए दोबारा एक नई बिजनेस लॉजिक नहीं लिखेंगे, आप उसी बिजनेस लॉजिक को इस्तेमाल कर लेंगे। अब आप किस तरह उसको इस्तेमाल करेंगे, किस तरह हिट करेंगे एपीआई को, वो हम थोड़ा बाद में देखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? कल को अच्छा, हमें एक और मिस कॉन्सेप्ट है कि लोगों को लगता है कि हम खाली यही दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मतलब वेब और मोबाइल को आप एपीआई से इंटरेक्ट करते हैं। एक और बड़ी जो इसका इस्तेमाल है वो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो डिवाइसेस जिनके कोई भी इंटरफेस हो। मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, कोई भी ऐसी आपकी आईओटी डिवाइस जिसका इंटरफेस हो, लेट सपोज आपका एसी है, एसी के अंदर इंटरफेस है तो ये भी आपकी एपीआई कंज्यूम कर सकता है आपका। अच्छा, दो चीज़ें ज़रूरी हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, ऐसी आईओटी डिवाइसेस के अंदर, एक आपका इंटरफेस, उसका इंटरफेस होना चाहिए, और दूसरा इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए उसके पास, देन उस डिवाइस के पास अगर ये दो चीज़ें हैं तो वो आपकी एपीआई को हिट कर सकता है और उसको डेटा दिखा भी सकता है। लेट सपोज मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, स्मार्ट एसी हो गया या स्मार्ट होम ऑटोमेशन के अंदर आप जब भी जाते हैं तो इस तरह के आपको बहुत सारे गैजेट्स मिलते हैं जो आपकी एपीआई को हिट कर रहे होते हैं, तो ये भी एक बड़ा कंज्यूमर है जो आपकी एपीआई को इस्तेमाल कर रहा होगा। अगेन आप लॉजिक नहीं लिखेंगे, लॉजिक आपकी पूरी एपीआई में लिखी होगी, आप खाली उसको कंज्यूम कर रहे होंगे विद सम डिफरेंट इंटरफेसेस और सम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। मेरा ख्याल है कि मेरी ये बात काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी कि एपीआई बेसिकली आर्किटेक्चर क्या है, एसओए का आर्किटेक्चर क्या है। अच्छा, अब एसओ मतलब सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अंदर पिछले किस तरह लोगों ने काम किए या पिछले .NET के अंदर किस तरह काम होते हुए आ रहे हैं, अब हम जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो हमने बात की कि .NET रिमोटिंग सबसे पहले आया हमारे पास, ठीक है, मैं बाद में डिफाइन करता हूँ हर एक को। फिर उसके बाद हमारे पास वेब सर्विसेज आई। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम WCF की तरफ गए। फिर उसके बाद आखिर में हम RESTful APIs की तरफ आए। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारों को इसका आइडिया भी होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और अगर नहीं भी है तो कोई मसले की बात नहीं है, हम इस कोर्स में मजीद थोड़ा गो थ्रू कर लेंगे कि पिछला काम किस तरह का करते हुए आइए, ठीक है। तो .NET रिमोटिंग सबसे पहले हमारे पास आया, ठीक है। तो .NET रिमोटिंग के अंदर बड़ा मसला क्या था कि हम उसको अच्छा, आर्किटेक्चर सब समझ आ गया ना कि हम ये सारी जो बात कर रहे हैं वो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से अब क्लियर हुआ कि वो किस तरह काम करता है आर्किटेक्चर। अब मजीद हम उसके अंदर बात कर रहे हैं कि ओरिएंटेड स्पेलिंग मिस्टेक हो तो भाई जाने देना, .NET रिमोटिंग की बात कर ली। इसके अंदर सबसे बड़ा जो एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं आप कि वो ये था कि आपके क्लाइंट और आपका सर्वर ये दोनों ही किस पे होते जरूरी थे, दोनों ही .NET पे होना जरूरी थे, ठीक है। तो इसकी वजह से डिपेंडेंसी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी और आप कह लो कि
टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी बहुत थी, तो ये एक बड़ी बड़ा मसला था इसके अंदर कि आपका सर्वर और क्लाइंट दोनों ही डॉट नेट पर होना जरूरी थे। इसकी वजह से कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी इश्यूज बहुत सारे आ रहे थे, जिसको हम ओवरकम करने के लिए हम वेब सर्विसेज की तरफ गए। बहुत सारे लोगों ने वेब सर्विसेज पर काम भी किया होगा पहले। अच्छा, वेब सर्विसेज के अंदर एक मसला क्या था कि मैं मजीद आप इसको डिटेल के अंदर गूगल पे देख भी सकते हैं, मैं सिर्फ जस्ट गो थ्रू करा रहा हूँ कि ये किस तरह काम करते थे, क्या मसले थे जिनकी वजह से इनको गो थ्रू करते हुए। अच्छा, ये काम करता था XML पे, ठीक है, मतलब जो डेटा कंटेंट था या कह लो आप कंटेंट टाइप थी या इंटरनेट मीडिया टाइप जो थी, जो भी आप इस्तेमाल करते थे डेटा पास करने के लिए, वो आपके पास थी XML, ठीक है। आपने मेरे ख्याल से देखा होगा इस तरह टैग्स पे काम कर रहे होते हैं, जैसे HTML काम कर रहे होते हैं, इसी तरह टैग्स पे ये काम कर रहा होता है। तो यहाँ तक भी बात समझ आ गई कि वेब सर्विसेज XML पे काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या फायदा था कि हम .NET इम्पोर्टिंग से इस पे आए कि XML पे काम करने का मतलब क्या था कि XML एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है, ठीक है। मैंने जैसे बात की पिछले वाली जो डायग्राम बनाई थी उसके अंदर भी जो भी व्यू से डेटा लेके आना था या जो भी कंज्यूमर है वो डेटा कंट्रोलर से जो भी जिस तरह कम्युनिकेट कर रहा था वो इन द फॉर्म ऑफ JSON कर रहा था, ठीक है, या XML, ठीक है। ये दो ऐसे कॉन्टेंट टाइप हैं जो यूनिवर्सली डिफाइन है। अब ये क्या है वो मजीद आप नेट पे देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक छोटा सा स्टोरी समझा के कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि ये कौन लोग हैं, इनकी हमें जरूरत क्या थी। देखिये, .NET रिमोटिंग जब तक आप इस्तेमाल कर रहे थे या आप ऐसी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आपका सर्वर भी C# है और क्लाइंट भी C# है, तब तो मसला नहीं है। तब तो आप सर्वर से आप डेटा भेज रहे हैं, आपने C# का ऑब्जेक्ट भेजा, वो जाके C# के ही ऑब्जेक्ट के अंदर पास हुआ, मतलब आपका क्लाइंट भी C# में था, तो आप जब पास कर रहे थे सर्वर से कोई भी डेटा क्लाइंट को, तो वो C# या .NET का ही ऑब्जेक्ट .NET में ही जाके पार्स हुआ, तो यहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं था, ठीक है। ये कहानी क्लियर है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि आप दोनों ही जगह आपके पास .NET वाले बंदे बैठे हुए थे। लेकिन जब हमने बात करी यूनिवर्सल लेके जाने की, कोई ऐसा कि जब हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी या हटा दें, तब हमने बात करी कि कोई ऐसा दो लोग का बीच का कोई ऐसा मीडियम हो जो इन दोनों की जबान को समझ सके। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, लेट्स सपोज कोई चाइना का बंदा है, कोई पाकिस्तान का बंदा है, अब इन दो लोगों के बीच में लाजमी कोई इंटरप्रेटर होना चाहिए या कोई ऐसा लैंग्वेज, जैसे हम इंग्लिश को ऐसा इंटरनेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। अब हम कहीं पे भी जाएं, हम नहीं जानते कि मुल्क कौन सा है, लेकिन हम इंग्लिश में बात करेंगे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि लोग समझ जाएं, क्यों, क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड है, सही ना, एक स्टैंडर्ड है जो सारे दुनिया वाले फॉलो करते हैं। उनकी लैंग्वेज पर्सनली कुछ और भी हो सकती है और कोई भी, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम यार फ्रीलांसर बात कर रहे होते हैं तो वो बात कर रहे होते हैं इंग्लिश के अंदर, तो हम हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम पीछे बंदा अरबिक बैठा हो या चाइनीज हो या जर्मन हो, इंग्लिश के अंदर उससे सारी डील करते हैं, क्यों, क्योंकि अब ये यूनिवर्सल फॉर्मेट है। बिल्कुल इसी तरह हमारे सर्वर किसी भी लैंग्वेज पे हो, हमारा क्लाइंट किसी भी लैंग्वेज पे हो, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हम जो है वो बीच में यूनिवर्सल एक फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं डेटा भेजने के लिए और डेटा रिसीव करने के लिए, विच आर दोस JSON और XML। इनकी मदद से हमें ये फायदा मिल जाता है कि हम डेटा जो है वो एक यूनिवर्सल फॉर्मेट में भेज देते हैं कि दोनों को समझ आ जाए, क्लाइंट पार्टी भी और सर्वर पार्टी भी दोनों इसको पार्स करने की काबिलियत रखते हैं और सिलाइज और डिसलाइज करने की काबिलियत रखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात अब समझ आ रही होगी कि XML वेब सर्विसेज ने क्या ओवरकम किया। लेकिन इसके अंदर भी एक मसला था, वो मसला क्या है कि XML की कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा मसला आता है, इट्स लाइक लिटिल बिट हैवी, ये थोड़ा सा वेटी है, क्यों, क्योंकि आपको जो है वो क्लाइंट साइड पे जाके आपको एक XML फाइल ऐड करनी पड़ती है, लाइक प्रॉक्सी वाला पूरा खेल है। अगर किसी ने काम किया होगा तो उसको मजीद इस पे ये मेरी बातें समझ आ रही होंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। हमें जाके जो है वो थोड़ा सा लाइट वेट बनाना था, XML थोड़ा सा हैवी वेट है कह सकते हैं उसको, ठीक है, एक ये मसला था। और भी थोड़े डिसएडवांटेज हैं, वो जाके आप मजीद नेट पे देख लें, मैं अभी जितना मुझे याद आ रहे हैं वो मैं बताते जा रहा हूँ। XML थोड़ा बहुत हैवी वेट था, हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी, हमें जाके क्लाइंट पे जाके फाइलें डालनी पड़ती थी प्रोसीक्यूट करने के लिए, जो भी है
हम इसको ओवरकम करने के लिए अब क्या करेंगे, ये बिल्कुल बहुत अच्छा आर्किटेक्चर था, वेब सर्विस बहुत अरसे तक इस्तेमाल भी हुआ, लेकिन फिर भी इसको ओवरकम करने के लिए हमने WCF इस्तेमाल किया। WCF भी आप मजीद नेट से गो थ्रो कर लें, हम उसको जल्दी जल्दी लेके चलें क्योंकि थोड़ा सा लंबी हो गई है इसके अंदर भी। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमने इन दोनों से पिछले जो टेक्नोलॉजी से इनको हमने कंबाइन किया यहाँ पे, और कंबाइन करने के बाद एक WCF विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन बनाई जिसके अंदर हम इन दोनों को कंबाइन करके काम कर रहे थे। हमने इसी आर्किटेक्चर को मजीद इम्प्रूव करते हुए रेस्टफुल एप्लीकेशन बनाई, रेस्टफुल वेब API की तरफ गए जो बिल्कुल इसी तरह आर्किटेक्चर पर काम करता है जो मैं पिछला लेके चलते हुए आ रहा हूँ। मजीद इस आर्किटेक्चर को इनहेंस किया, कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मजीद और इम्प्रूव करी, जिसके बाद अब ये आर्किटेक्चर और अच्छा हो गया, ठीक है। जिसके अंदर हम बात करें कि अब XML की ज़रूरत नहीं है, हम JSON पे काम कर रहे हैं और लैंग्वेज डिपेंडेंसी नहीं होती, डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो इसके अंदर जो है वो ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हो रही है कि हम वेब API को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कि .NET Core की तरफ हम क्यों जा रहे हैं, ठीक है। .NET Core की तरफ जाने की एक बड़ी वजह क्या है कि ओपन सोर्स है पहली बात, दूसरी बात कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी नहीं है। लेट्स सपोज हम इसको मैक पर भी बना सकते हैं, आप इसको जो है वो किसी भी पाइथन पे मतलब लिनक्स पे जाके आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट कोई सा भी हो आप मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी आपको मिल जाएगी। अच्छा, एक बात, दूसरी बात कि आप जब API की बात करते हैं तो आपके पास एक बड़ा फायदा क्या आ जाता है आपके पास कि आप जो है वो HTML के सारे फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अब जरा से API की जरा खूबियाँ बयान करता हूँ कि हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। हमें सारे HTTP के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे मिल जाते हैं, ठीक है। लाइक गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, इंसर्ट, क्रिएटिव, ये सारी जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट हैं वो सारी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला बेनिफिट, ठीक है। अगला कि आप इजी है इस्तेमाल करने के अंदर, आसान है, ठीक है। दूसरी बात, सिंपल है, आप आराम से क्रिएट करेंगे। अब जब आप कोड अभी इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मजीद चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी के साथ जो है वो ये एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा लाइट वेट है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि JSON वाली कहानी XML वाली बटन से बाहर आ जाएंगे, तो ये बात भी मेरे ख्याल से अब क्लियर है। और REST की भी कहानी आपको क्लियर हो गई कि REST किस तरह काम करता है, और अगर मजीद आपको देखना हो तो REST वर्सेस SOAP और REST की कहानी क्या है वो भी आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगा। अच्छा, अभी तक जो है वो .NET कोर्स के जो फ्रेमवर्क आने लगे वो कुछ इस तरह आने लगे कि 2 आया, 2.2 आया, फिर 3 आ गया, फिर आगे मजीद इस पर काम हुआ। लेकिन अब जो आएंगे वो डायरेक्ट आएंगे ASP.5, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अब जो है वो ये भी कहानियाँ ख़त्म करते जा रहे हैं, क्योंकि क्या अब हम इस तरह चीज़ों को लेके चलना शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें यूनिवर्सल होने लगे हैं, मतलब चीज़ें हम मतलब इंडिपेंडेंसी हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं मजीद। मेरी बात समझ आ रही है कि हम जो है वो चाह रहे हैं कि इस तरह का कुछ स्टैंडर्ड्स बन जाएं, सही, जो सारे आर्किटेक्चर पे काम करने लगे। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक बात समझाता हूँ कि आपने जो है वो ये बात क्लियर थी जहाँ तक अभी तक बनी, मैं इसको मिटा दूँ ताकि हम उसको मजीद किसी और पिक्चर के तौर आपको बात समझाएं। अच्छा, एक और बात रह गई थी जो मैं दोबारा बता देता हूँ, वो बात ये है कि जब भी हम API की बात करते हैं, जब भी हम API की बात करते हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो HTTP फीचर्स जो मैंने बात की उससे बात अगर नहीं समझ आई तो मजीद समझाता हूँ कि हम जो पूरी रेस्टफुल वेब API इसको हिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिंक, सही है। एक जस्ट लिंक होगा, ठीक है, हम उस लिंक के थ्रू पूरी API को इस्तेमाल करेंगे, मतलब हम API को पूरी कंज्यूम करने के लिए सिर्फ एक लिंक के थ्रू पूरी API को हम यूज़ कर रहे होंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक लिंक खोल के दिखा देता हूँ, लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए, इस तरह, ठीक है। एक लिंक होगा जहाँ पे भी आपने वेबसाइट होस्ट की हुई है उसका पहले सर्वर, फिर उसके बाद कंट्रोलर और एक्शन, जिस तरह हम काम करते हुए MVC के अंदर, हम इस लिंक के थ्रू पूरी API को इस्तेमाल करेंगे। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, हम सारे जो है उसे भी एक लिंक के थ्रू काम कर रहे होंगे। उस लिंक के अंदर हम मतलब एक लिंक जो है वो जनरेट, ऐसी बात हम हिट कर रहे होते हैं HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू, और HTTP रिक्वेस्ट किस तरह काम करती है अब मैं वो भी ज़रा बता देता हूँ, मैं मिटा दूँ। रिक्वेस्ट के अंदर जो मोटी मोटी चीज़ें वो मैं फिलहाल बता देता हूँ। HTTP रिक्वेस्ट के अंदर
सबसे बड़ी जो अहम तरीन चीज है वो है, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऊपर जगह नहीं है, मैं हेडर बराबर में बना रहा हूँ, हालांकि हेडर ऊपर होता है या समझाने के लिए ऊपर लिखते हैं। तो आपका एक पार्ट होता है हेडर का, ठीक है, जिसके अंदर तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, पहला URL, दूसरा आपका मेथड, कौन सा मेथड यूज करें, और तीसरा कि आप क्या डेटा भेज रहे हैं, ठीक है, मतलब डेटा टाइप क्या है। पहला आपका URL हो गया, देन दूसरा आपका जो है वो मेथड हो गया लाइक गेट पोस्ट, ठीक है, तीसरी बात जो हो गई आपकी वो हो गई कि आपका कंटेंट टाइप क्या है। मैं इसको इंटरनेट मीडिया लिख रहा हूँ ताकि बात अगर किसी को समझ ना आ रही हो तो वो समझ ले, या मैं इसको डेटा टाइप कह लूँ आसान समझाने के लिए, कि लेट सपोज आपका डेटा टाइप क्या है, जेसन है, एक्सएमएल है, आप किस टाइप का डेटा लेके जाने वाले हैं इसमें से। मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ, जेसन हो गया, या मैं फिलहाल जेसन लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। अच्छा, दूसरा बड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है बॉडी का, ठीक है। अब बॉडी कब फिल करते हैं कब नहीं करते वो मैं उस वक्त बताऊंगा जब हम गेट और पोस्ट की कहानी पे जाएंगे कि मेजर डिफरेंस क्या है उनमें। हमारी जो रिक्वेस्ट जारी होती है वो ऐसे जारी होती है कि एक HTTP रिक्वेस्ट, यहाँ पे हम लिंक दे देंगे, लेट सपोज अगर हमारा EVC कंट्रोलर एक्शन है तो हम वहाँ लिंक के अंदर लिंक दे देंगे, मेथड के अंदर गेट पोस्ट लिख देंगे, और JSON के अंदर टाइप डिफाइन कर देंगे, डेटा टाइप के अंदर हम कॉन्टेंट टाइप डिफाइन कर देंगे। अच्छा, अब हम जब गेट की रिक्वेस्ट यूज कर रहे होते हैं, पोस्ट की रिक्वेस्ट यूज कर रहे होते हैं, तब उनमें डिफरेंस क्या है बड़ा वो हम इसके बाद देखते हैं। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि API किस तरह काम करेगी, ठीक है ना। API लिंक के थ्रू काम करेगी, ये बात समझ आ गई। हम लिंक के अंदर अपना डेटा डाल देंगे, हम लिंक के अंदर जो है वो कॉन्टेंट टाइप डिफाइन कर देंगे, और मजीद हम इस तरह पूरा एक रिक्वेस्ट बना के लिंक API को हिट करेंगे, HTTP रिक्वेस्ट पूरी हिट करेंगे, और उसके अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स आएगा वो आप अपने क्लाइंट साइड पे दिखा देंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि हम HTTP रिक्वेस्ट पे खेलेंगे पूरे API के अंदर, ठीक है, कोई इंटरफेस नहीं होगा, हम सिर्फ रिक्वेस्ट पे बना बना के खेलेंगे। अब उसके लिए हम कोई बहुत सारे जैसे स्वैगर हो गया या पोस्टमैन हो गया, हम या डायरेक्टली मैनुअली एप्लीकेशन को हिट करके API को हिट करके देखेंगे, तो हम वो इस तरह काम करेंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो हम बात कर लेते हैं अब उसकी गेट और पोस्ट के रिक्वेस्ट के मेजर डिफरेंस क्या है उसकी बात कर लेते हैं। मैं ड्राइंग बता रहा हूँ, अच्छा भाई मैं एग्जांपल दोबारा वही पिछले वाली लेके ले चलता हूँ कि आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक फॉर्म है, मैं अभी व्यू की बात कर रहा हूँ, आपके पास तीन टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, उसके अंदर अगेन ABC है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो इसका नेम A है, इसका B है और इसका C है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास पैरामीटर में भी तीन वेरिएबल आपके एक्सपेक्टेड हैं जो आपने बनाए हुए हैं गेट और पोस्ट में, ठीक है। अच्छा, अब मैं जरा बात थोड़ी डिफरेंट कर रहा हूँ कि कंट्रोलर के अंदर आपके पास गेट बना हुआ है, ठीक है, उसके पास भी A, B और C है, ठीक है, और पोस्ट के अंदर भी आपके पास A, B और C है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है, ये पूरी कंट्रोलर लेयर है ना, कि क्या डिफरेंस है कि हम कब हम गेट यूज करते हैं और कब हम पोस्ट यूज करते हैं और कौन सा बेनिफिशियल है कब, तो इस पर जरा हम बात कर लेते हैं। कि देखो, पहली बात कि अगर मैं डेटा पोस्ट करने जा रहा हूँ, हम या मैंने एक बात बस ध्यान में रह दी वो ये कि जब हम फॉर्म लगाते हैं उसमें इनपुट लगाते हैं तो डेटा पोस्ट कब होता है, ऑन द क्लिक ऑफ एनी इनपुट टाइप, एनी इनपुट विच हैव अ टाइप ऑफ सबमिशन, लाइक कोई भी बटन हो, ठीक है, जिसके क्लिक के ऊपर आपका जिसकी टाइप सबमिट हो तो उस बटन के ऊपर खुद ब खुद ये पूरा डेटा आपका कंट्रोलर एक्शन पे हिट होता है। तो अब मैं बात करता हूँ कि अगर मुझे ये डेटा पोस्ट करना है, डेटा लेके जाना है कंट्रोलर तक, तो मैं गेट के थ्रू लेके जा सकता हूँ या पोस्ट के थ्रू। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं खाली पोस्ट के थ्रू डेटा लेके जा सकते हैं, हम गेट के थ्रू भी ये पूरा डेटा फॉर्म का लेके जा सकते हैं, लेकिन हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते फिर पोस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसका एक बड़ा फर्क है रिक्वेस्ट बनने का। जो गेट की रिक्वेस्ट क्रिएट होती है और जो पोस्ट की रिक्वेस्ट क्रिएट होती है, इसमें बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। वो डिफरेंस क्या है कि अभी मेरे पास यहाँ पे जगह है तो मैं बना के भी दिखाता हूँ कि आपके पास जो गेट की रिक्वेस्ट बनती है, उस गेट की रिक्वेस्ट के अंदर
जो URL वाला पार्ट होता है, ठीक है, अगेन वही मैं बात करूंगा, तीन, इसमें भी तीन हिस्से हैं, URL का, आपके मेथड टाइप का और कंटेंट टाइप का, ये तीन चीजें हैं, और नीचे आपकी बॉडी है। लेकिन जब आप गेट में डेटा लेके जा रहे होंगे तो आपके पास डेटा URL के अंदर कॉन्केट होके जा रहा होगा, ठीक है। मैं उसकी एग्जांपल आपको साइड में लिख के दिखाता हूँ। लेट सपोज आपने लिखा abc.com, आपके पास वेबसाइट थी, उसका कोई कंट्रोलर था और उसके अंदर कोई एक्शन था, उस एक्शन के अंदर आपके पास पैरामीटर ए था। तो आप जब आप गेट में लेके जा रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, या तो दोनों तरीके दिखाता हूँ, दो तरीकों से आप डेटा लेके जाते हैं। एक आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, स्लैश उसकी वैल्यू, फिर उसके बाद एंड, जो एंड का साइन होता है वो लगाते हैं, फिर अगेन वेरिएबल का नाम, फिर उसकी वैल्यू, फिर इसी तरह दोबारा एंड, जितने वेरिएबल्स हैं हम एंड एंड करके इस तरह आप उसको लिंक के अंदर ही पूरा कॉन्केट करके भेजते हैं। मैंने आपको शेयर किया, कुछ इस तरह का नक्शा होता है, ठीक है। एक और तरीका होता है सेम इसी तरह कि आप जो है वो बस ये पूरा लिखने के बजाय, मतलब क्वेश्चन मार्क और ये एंड एंड की कहानियां करने के बजाय एक्शन के बाद, मतलब एक्शन तक वही कहानी थी, मतलब अगेन पूरा आपके सर्वर का नाम, कंट्रोलर, एक्शन, एक्शन के बाद, मैं एक्शन के बाद की सिर्फ कहानी बता रहा हूँ कि एक्शन के बाद क्या होगा, कि आप स्लैश पैरामीटर ए की वैल्यू, स्लैश बी की वैल्यू, स्लैश सी की वैल्यू। तो उसमें फायदा होगा कि अगर आपके पास एबीसी नाम के अलावा भी कोई वेरिएबल्स बने होंगे तब भी वो डेटा लेके जाएगा, ठीक है। और आप लिंक थोड़ा सा आपका शॉर्ट भी हो जाएगा कि आप वेरिएबल का नाम पूरा पूरा नहीं लिख रहे, लेकिन ये बहुत अनसिक्योर भी है, क्योंकि आप पूरा डेटा बंदे को लिंक पे दिखा रहे हो, अगला बंदा आपका डेटा पूरा हाईजैक कर सकता है, कोई भी आप अटैक कर सकता है। तो हम जब भी डेटा लेके जाने की बात करते हैं तो पोस्ट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि डेटा, ये URL वाली कहानी तो क्लियर हो गई ना, ये URL के अंदर गेट डेटा लेके जाता है, गेट की रिक्वेस्ट URL में डेटा लेके जाती है, लेकिन पोस्ट किस तरह लेके जाता है, पोस्ट URL में लेके डेटा नहीं लेके जाता, पोस्ट आप खाली यहाँ डिफाइन करते हो एक्शन, एक्शन तक की कहानी डिफाइन करते हो बस URL में, बकाया कहानी जो आपकी हो रही होती है वो कहाँ हो रही होती है, बकाया डेटा फिर कैसे जाता है, वो जाता है आपकी इन द पार्ट ऑफ बॉडी, जो रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी का पार्ट होता है उसमें जाता है, और किस तरह जाता है वो अगेन आपके ऊपर है, आप इसको एग्जाम्पल में भेज दो तो इस तरह डेटा जा रहा होगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, लेट्स सपोज आपने एक नोट बना ली, नोट के अंदर जो है वो आपने वेरिएबल ए बना लिया, बी बना लिया, एंड सो ऑन, आपके पास सारे वेरिएबल्स का डेटा इस तरह जा रहा होता है। मैं दिखाता हूँ अभी, आज पहली क्लास है तो शायद थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है, मैं इंशाल्लाह अगली क्लासेस के अंदर हम डायरेक्ट काम की बातें करेंगे। तो अगर हम एक्सएमएल टाइप डिफाइन करते हैं कंटेंट टाइप के अंदर, तो हम कुछ इस तरह का डेटा लेके जा रहे होंगे, ठीक है। अगर हम जेसन करते हैं तो जैसे मैंने पिछले उस बताया, पिछले व्हाइट बोर्ड बताया, इसी तरह हम जेसन के अंदर ऑब्जेक्ट बना के लेके चलेंगे। तो उसमें फायदा ये होता है कि हम लिंक के अंदर डेटा लेके नहीं जाते और थोड़ा सिक्योर होता है। तो मेरे ख्याल से ये कहानी भी आपको क्लियर हो गई होगी कि गेट हम कब इस्तेमाल करेंगे और पोस्ट हम कब हिट करेंगे, सही है? अच्छा, ये बात भी हो गई। तो मेरा ख्याल है कि अब हम ये बात कर लेते हैं कि .NET कोर का क्या फायदा है, हम क्यों .NET कोर की बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम जब API की बात करते हैं ना, तो हम जैसे मैंने सारी पिक्चर्स बनाई कि हम कंट्रोलर और डेटा एक्सेस लेयर को एक ही एप्लीकेशन में रखते हैं। इसका और अच्छी प्रैक्टिस स्टैंडर्ड फॉलो करने की बात करें तो वो क्या है कि आप डेटा एक्सेस लेयर को भी अलग प्रोजेक्ट में बनाएं। प्रोजेक्ट से मतलब क्या है कि आप प्रोजेक्ट दो अलग अलग बनाएं। पहला प्रोजेक्ट आपका क्या होगा, पहला, अच्छा मैं डेटाबेस की बात नहीं कर रहा, डेटाबेस आप समझ आना चाहिए कि एक्सेस लेयर के पीछे है, ठीक है। आपका एक पूरा प्रोजेक्ट होगा जो API होगा, और एक पूरा प्रोजेक्ट होगा जो DLL जिसमें पढ़ी होंगी सारी, जो DLL क्रिएट कर रहा होगा, क्लास लाइब्रेरी टाइप का, ठीक है, लाइक जिसको आप बोल रहे हैं डेटा एक्सेस लेयर, जो इन द फॉर्म ऑफ DLLs होंगी अब, ठीक है। अब वो DLLs आप जो है वो API के अंदर ऐड करें और उस तरह काम करें, तो ये एक मोर मेच्योर वे है काम करने का। मेरी बात समझ आ रही है? सही है। तो ये मैंने लिख भी दिया कि अब आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं एक ही सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन आपने एक ही रखा, प्रोजेक्ट आपने दो बनाया और दोनों प्रोजेक्ट पे आपने इस तरह काम किया।
तो इससे फायदा क्या होगा? मैं जो पिछला काम करते आ रहा था वो कुछ काम इस तरह का था कि आपने एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आपने दोनों चीजें रखी हुई थी, आपने डेटा सिस लेयर भी वहीं रखी हुई थी और एपीआई भी आपने कंट्रोलर भी वहीं पर बनाए हुए थे। लेकिन उससे नुकसान क्या होता है कि अगर आप लेट सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपने ये प्रीवियस अप्रोच थी आपकी, ठीक है मैं इसको जरा सा ऊपर बना देता हूँ, ये आपकी प्रीवियस अप्रोच थी जिसके अंदर आपने वही दो लेयर थी, डेटा एक्सेस लेयर और कंट्रोल लेयर। आप एपीआई की बात कर रहे हैं हम, सही है, एमवीसी की बात नहीं कर रहे हम। तो यही दो लेयर थी आपके एपीआई के अंदर। लेकिन नुकसान क्या था कि कल को अगर मैं विंडोज होम एप्लीकेशन की तरफ जाता हूँ और मुझे वही क्लासेस वही डेटा एक्सेस लेयर यूज करनी है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक विंडोज होम एप्लीकेशन बनाई, या मैं एक और बात करता हूँ कि अगर मैंने डॉट नेट कोर पे या डॉट नेट फ्रेमवर्क पे ये पूरी एपीआई बनाई, ठीक है जो मेरी ऊपर जो मैं बना रहा हूँ ये एपीआई मैंने बनाई डॉट नेट फ्रेमवर्क पे, ठीक है। और अब जो मैं नई एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से अगर ऊपर दिख रहा है तो सबसे ऊपर जो मैंने बनाया ये डॉट नेट फ्रेमवर्क है, अगर नहीं दिख रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ। अब मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ ज़ैमरीन की, लेट सपोज, सही है वो भी इसी प्लेटफॉर्म की, माइक्रोसॉफ्ट की, लेकिन फ्रेमवर्क डिफरेंट है। अब मुझे अगर डेटा एक्सेस लेयर इसमें भी वही इस्तेमाल करनी है तो मुझे कॉपी करनी पड़ेगी या मुझे वही फाइल दो जगह रखनी पड़ेगी। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अब अगर मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है डॉट नेट कोर पे, ठीक है डॉट नेट कोर पे जब मैं बात करूंगा तब भी मुझे ये करना पड़ेगा, जब भी मुझे डेटा एक्सेस लेयर की बात करनी पड़ेगी तो मुझे यहाँ से उठा के वो डेटा एक्सेस लेयर इस्तेमाल करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। और DLL मतलब मेरे कहने का मकसद ये कि अगर आप वैसे बात कर रहे हैं एक मॉडल क्लास की, तो आपको इन अगर आपने लेट सपोज जहाँ पे आपका जो मेन जगह थी अगर आपका यहाँ पे चेंज आया, ठीक है कोई भी चेंज आया आपका, तो आपको तीनों जगह पे चेंज करना पड़ेगा, मतलब एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नहीं बनी हुई आपके पास। मेरी बात समझ आ रही है कि अगर आप जो भी आपकी मेन सॉल्यूशन था, जो मेन आपकी बिजनेस लॉजिक लेयर थी, अगर आपने वहां चेंज किया तो आपको दोनों जगह पे जाके चेंज करना पड़ेगा, जहां जहां आपने एपीआई कंज्यूम की भी हो, DLL कंज्यूम की होगी वहां पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर बात समझ नहीं आ रही तो मैं मजीद आपको बात समझा देता हूँ। इसके अंदर कहानी क्या होगी, हम किस तरह काम करेंगे कि हम एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बना रहे हैं, ठीक है हम एक मॉडल नहीं बना रहे, हम एक लाइब्रेरी बना रहे हैं। लाइब्रेरी बनाने का फायदा क्या हुआ, जो मैंने आपको जो पहला ये जो डायग्राम बनाई जो उस पर बनाई थी, अगर किसी को ये प्रॉब्लम समझ आ गई है ना तो उसको आगे भी समझ आ जाएगा। मैं ये फिलहाल अभी मिटा के अब आपको समझाता हूँ उसका फायदा क्या होगा। लेट सपोज आपके पास कंज्यूमर वही है, आपके पास अभी भी वही दो कंज्यूमर हैं, आपका एक जो है वो ज़ैमरीन पे है, एक डॉट नेट कोर पे है, ठीक है, और आपने एप्लीकेशन लगी ना अभी डॉट नेट पे ही बनाई हुई है, आपने अब आपका कंज्यूमर डॉट नेट है और आपने एप्लीकेशन बनाई हुई डॉट नेट कोर पे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज बनाने का फायदा क्या होगा कि मुझे अगर चेंज आएगा तो मैं सिर्फ अपने DLL में चेंज करूंगा और जो DLL जो जो कंज्यूम कर रहा है वो चेंज हो जाएंगे उनमें, तो उससे ये बड़ा फायदा होगा। आप अगर स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज पर काम करेंगे तो बड़ा फायदा क्या होगा कि आपके जो भी चेंजेस हैं वो एक ही जगह करनी पड़ेंगी, आपने स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज बना ली, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात भी क्लियर है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है तो वो मुझसे जरूर पूछ सकता है। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक की कहानी आज के लिए काफी है, समझने के लिए भी और समझाने के हवाले से भी। अगर इसके अंदर किसी को कोई मसला हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। आज की क्लास के अंदर हमने यही देखा कि बेसिक एमएससी किस तरह काम करता है, थ्री टियर एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर क्या है, किस तरह HTTP रिक्वेस्ट काम करती है, गेट पोस्ट किस तरह काम करते हैं, एमवीसी आर्किटेक्चर और SOA मतलब सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में क्या फ़र्क है। तो ये स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम जो है वो डॉट नेट कोर की API से हम स्टार्ट कर देंगे। अगेन मैं जो काम करूंगा वो ऐसे काम करेंगे कि DLLs बना बना के काम करेंगे एक प्रोजेक्ट में, और दूसरे प्रोजेक्ट में हम API पे काम करेंगे, वो अगला काम होगा हमारा। तो आज के लिए मुझे इजाजत दें, अस्सलाम वालेकुम।